नमस्कार मित्रों, मैं हूं बैजनाथ प्रजापति। पूरे जोश खरोश के साथ आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कला से रिलेटेड है। चूंकि आप जानते हैं मैं मिट्टी कला से जुड़ा हूं, लेकिन भारत देश एक महान देश है जिसमें कलाओं की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र के कलाकार कहीं न कहीं मिल जाते हैं। आज मैं हूं मिर्जापुर में, एक शादी अटेंड करने आया था जहाँ पर मुझे एक ऐसा कला मिला जो शायद आगे न मिले, विलुप्त हो जाए। एक विलुप्त होती कला के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो संगीत से रिलेटेड है। इसमें गायन नहीं है, ये वादन है जो मृदंग वादक के नाम से फेमस है। और इसके बारे में बहुत सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ कि जो शादी के कार्ड छपते हैं उसमें तमाम बाजे का फिगर छप के मिलता है, लेकिन बाजा बजते हुए दिखता नहीं है। तो आज मुझे ऐसा बाजा बजते हुए मिला है, तो मैं आपको उस म्यूजिक से अवगत कराना चाहूँगा, उस संगीत से अवगत कराना चाहूँगा जो प्राचीन कालीन हमारे भारत की धरोहर है। आज वो धरोहर विलुप्त के कगार पर पहुंची है। मेरा उद्देश्य है मैं अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आप तक पहुंचाऊं, आप जानें, इस वीडियो को देखें और देखें कि हमारे देश में क्या है। लोग अंग्रेजी गानों पर थिरकते हैं, आजकल के युवा पाश्चात्य कंट्री की नकल करते हुए गर्त में जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको अपने देश की विरासत के बारे में बताना और इस म्यूजिक को सुनाना। निश्चित तौर पर आप इसको सुन के जरूर थिरक देंगे और ये हमारी अपनी स्वदेशी वादन कला है। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ और मिलाऊंगा भी, ये कहाँ के कलाकार है। आइए you
मित्रों आपने देखा वाकई लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब, शायद ऐसा म्यूजिक आपको सुनने को मिले और बहुत ही बेस्ट। मैं तो कह रहा था आप नाचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निश्चित तौर पे लोगों ने नाच के दिखा दिया, मेरा भी दिल कर रहा था नाचने लिए बट रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही थी और मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इसके मालिक जो इस बैंड को चलाते हैं, इसमें नर्तकियाँ भी हैं। तो भैया जी आप हैं इनके मालिक, अपना शुभ नाम बताइए। और आपका एड्रेस क्या है? तालर, ग्राम तालर। पूरा एड्रेस बताइए। पोस्ट से बराबर हो जिला में जी। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए ताकि दर्शक आपके मोबाइल नंबर को जान सके, आपसे कांटेक्ट कर लें। और तमाम शादी विवाह या जन्म उत्सव है, तमाम उत्सव मनाए जाते हैं ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। 9956-17-26-04। एक बार मैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार और भैया जी मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से नंबर बताया चूंकि थोड़ा सा शोरगुल हो गया था, शायद दर्शक ना सुन सके, एक बार फिर से बताइए क्लियरली। 9956-17-26-04। हाँ मित्र आपने ये नंबर आपने सुन लिया है, इस नंबर से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वास्तव में एक अपने हिंदुस्तान की विरासत को संजोग के लेकर चल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और इनको तो बहुत ऊंचे पैमाने पर होना चाहिए। मित्रों आपके प्यार की कमी रही है, हमारी चाह की कमी रही कि हम अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इनको बिसारते जा रहे हैं, अगर यही कंडीशन रही तो ऐसे म्यूजिक वास्तव में विलुप्त हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि ऐसे म्यूजिक को आप अपने सुअवसरों के कार्यक्रम पर इन्वाइट करें, इनका ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता इनका म्यूजिक है, आप इनको इन्वाइट करें अपने यहाँ इसको बजावें, ये बिल्कुल शुभ होता है। जैसा कि आप शादी के कार्डों पर छपवाते हैं बाजा ढोल ताशे, वही ढोल ताशे सब कुछ उपलब्ध है, तो आप इसका इनका उपयोग करें, इस कला को आगे बढ़ाएं, इससे जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी को आगे बढ़ाएं और अपने हिंदुस्तान की विरासत को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपको सोचता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, एक बार नाच के भी दिखाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। आपका मित्र बैजनाथ प्रजापति, धन्यवाद।